Hare Krishna, dear students. Students, in the previous class, we started the first lesson of English grammar, looking up the dictionary. In it, we learned that in a dictionary, pronunciation of the words are given. Words are given in alphabetical order. Each word is called entry word. And part of speech is also written in short form in front of any word. And I also gave you some exercise to do. I had given you practice time 1.1 to solve in your books. Okay, today I am going to tell you some more exercise of this lesson. I'm starting from page number 6. It is given here. I'm reading, did you know? Okay, when you look up a dictionary, you will notice the entry words and their meanings arranged in the following order. यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कभी भी जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो आप देखेंगे कि उस डिक्शनरी में एंट्री वर्ड दिया होता है. मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड जो डिक्शनरी में दिया होता है उसको एंट्री वर्ड बोला जाता है. एंट्री वर्ड एंड देयर मीनिंग्स अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. एंट्री वर्ड होता है और उसके बाद उसका मीनिंग किस फॉर्म में अरेंज होता है. सबसे पहले एंट्री वर्ड होता है, उसके बाद उसका प्रोनंसिएशन होता है, आफ्टर दैट पार्ट ऑफ स्पीच इज गिवन, एंड आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड इज गिवन इन द डिक्शनरी. सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं केविटी. यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है केविटी, इसके आगे ब्रैकेट में इसका प्रोनंसिएशन लिखा है के ए वी केव ई टी. ओके, दिस इज द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. एंड आफ्टर दिस इसका पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है. देखिए एन शॉर्ट फॉर्म एन फॉर नाउन, मतलब ये वाला केविटी वर्ड जो है ये एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में यूज होता है. एंड इसका अब मीनिंग दिया हुआ है एनी हॉलो स्पेस और होल. इसका मीनिंग होता है कोई भी हॉलो स्पेस मतलब खोखली जगह, और होल मतलब छेद, उसको क्या बोलते हैं केविटी. एग्जाम्पल अ केविटी इन टीथ. ओके, नाउ आई टेल यू प्रैक्टिस टाइम 1.2. द अंडरलाइन वर्ड्स आर गाइड वर्ड्स. देर आर टू मोर वर्ड्स लिस्टेड अंडर देम. Using your dictionary, find out whether or not the word will fall between the guide words. Circle yes if the word is give between the guide words and no if it is not. Okay, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये mention किया है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ word दिए हैं और उनको underline किया है. ये underline words जो है ये guide words है. ठीक है, अब ये guide words के नीचे two words और दिए हैं यहाँ पर, तो हमको ये बताना है कि ये word इन गाइड वर्ड्स के बीच में आ सकते हैं कि नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने आप लोगों ने इस डिक्शनरी का यूज किया होगा. डिक्शनरी में जब भी हम किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो अगर हमको एस लेटर से शुरू होने वाला वर्ड सर्च करना है तो हम एस वाले पेज पर जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद अगर हमको एस टी से शुरू होने वाला वर्ड देखना है तो हम एस टी उस पेज को ओपन करते हैं. इस तरह से हम एक के बाद वन बाय वन लेटर देखते जाते हैं वर्ड में, और उस तरह से डिक्शनरी में वर्ड को सर्च करते हैं. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सोफा वर्ड स्टार एंड स्टॉप के बीच में आएगा कि नहीं. ठीक है, देखिए सोफा स्टार एस टी ए आर स्टार, एस टी के बाद यहाँ पर है ए आर स्टार यहाँ पर दिया हुआ है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एस ओ एफ एस इसके स्टार और स्टॉप के बीच में आ सकता है कि नहीं. एस के बाद यहाँ पर टी है और इसमें एस के बाद यहाँ पर ओ दिया है. अब आप जब अल्फाबेट्स को बोलेंगे तो टी और ओ इसमें से अल्फाबेट में से कौन सा लेटर पहले आता है, आप वो जब अल्फाबेट को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ओ लेटर टी के पहले आता है. मतलब सोफा वर्ड स्टार के पहले आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि सोफा वर्ड स्टार एंड स्टॉप के बीच में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर नो पर टिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गिवन स्टैच्यू. अब इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए एस टी ए यहाँ पर भी एस टी ए है. ठीक है, ये थ्री लेटर्स को तो हम छोड़ेंगे, उसके बाद फोर्थ लेटर देखते हैं. यहाँ पर टी दिया है एंड यहाँ पर स्टार में आर दिया हुआ है. अब फिर से हम देखते हैं कि आर और टी में से पहला लेटर कौन सा आता है अल्फाबेट में, आर आता है तो, और आर के बाद टी आता है. ठीक है, तो स्टार और स्टॉप के बीच में स्टैच्यू वर्ड आ सकता है, तो यहां पर हम एस पर टिक करेंगे. वन मोर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बेबी ब्लू ये गाइड वर्ड्स है और यहां पर हमको बताना है कि इसके नीचे टू वर्ड्स दिए हुए हैं बलून एंड ब्लो. अब ये बताना है कि ये दोनों वर्ड्स बेबी एंड ब्लू के बीच में आ सकते हैं कि नहीं. ठीक है,
सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए बी ए बी वाई बेबी की स्पेलिंग एंड बी ए डबल एल डबल ओ एन, इसमें भी बी ए है इसमें भी बी ए है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को हम नहीं लेंगे। थर्ड लेटर को हम देखेंगे, यहां पर बी और यहां पर एल है। अब आप फिर से देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाइए, बी और एल, पहले कौन सा लेटर आता है, बी आता है, मतलब पहले बेबी आएगा और उसके बाद में बलून वर्ड आएगा, तो बेबी के बाद हम बलून लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये वाला वर्ड बेबी एंड ब्लू, बलून वर्ड बेबी एंड ब्लू के बीच में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं बी के बाद यहाँ पर ए है, इसमें बी के बाद एल है, ठीक है। अब बी के बाद ये वर्ड जो है इसमें इसके बाद तो आ ही जाएगा, ये बेबी के बाद ब्लो आ सकता है, लेकिन ये भी हमको देखना है कि ब्लू के पहले भी ब्लो आ सकता है कि नहीं। देखिए इसमें भी बी एल है, इसमें भी बी एल है, तो अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे, इसमें यू है इसमें ओ है। अब फिर से हम देखते हैं कि यू पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो यू लेटर पहले ओ लेटर आता है ना, मतलब तो ब्लू के पहले ब्लो वर्ड आ सकता है, मतलब बेबी और ब्लू के बीच में ब्लो वर्ड आ सकता है। यहाँ पर हम राइट पर टिक करेंगे, यस पर टिक करेंगे, ओके। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यहाँ पर जो है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये वाला आपको खुद से करना है। नाउ वी मूव ऑन पेज नंबर 7। व्हाट इज गिवन हियर, फाइंड ईच वर्ड रिटन बिलो इन द डिक्शनरी, राइट इट्स पार्ट ऑफ स्पीच एंड मीनिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, थीके? उसके आगे देखिए ये लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच एंड यहाँ पर लिखा है मीनिंग। आपको इस जो भी वर्ड है आपको डिक्शनरी में देखना है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस पार्ट ऑफ स्पीच को आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, उसका पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं एंड उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसका मीनिंग लिखना है। देखिए मैंने एक आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, सेकेंड वर्ड फर्स्ट वर्ड को आप छोड़ दी स्किप करिएगा। अभी सेकेंड वर्ड हम देखते हैं टीचर, टीचर वर्ड का जब आप डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करेंगे तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच वहाँ पर नाउन दिया है, ठीक है, मतलब टीचर वर्ड जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, मतलब एज अ नाउन वो किसी भी सेंटेंस में टीचर वर्ड का यूज होता है और उसका मीनिंग होता है वन हु टीचर्स, ठीक है। अब बाकी के जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये वर्ड्स के मीनिंग आपको सर्च करने हैं और इनकी पार्ट ऑफ स्पीच ये दोनों सर्च करके आपको खुद करना है। तो नेक्स्ट इज डी, एनसर्कल द आंसर एंड देन चेक इन योर, नो सॉरी आई स्किप्ड सी, सो आई एम रीडिंग सी नाउ। सी, with the help of a dictionary write down the pronunciation of the following words, their parts of speech and meanings in the way as they appear in a dictionary। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन डिक्शनरी में जब आप वर्ड का मीनिंग सर्च करेंगे तो उसके आगे उसका प्रोनंसिएशन या तो हिंदी में दिया होता है या फिर इंग्लिश में दिया होता है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में उसका प्रोनंसिएशन यहाँ पर मेंशन करना है और उसके बाद आपको उसकी पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन करनी है एंड आफ्टर पार्ट ऑफ स्पीच यू हैव टू राइट इट्स मीनिंग, ओके। वन मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, देखिए फर्स्ट वर्ड है क्लाउड, जब मैंने इसका डिक्शनरी में वर्ड सर्च किए इसका मीनिंग सर्च करा तो मैंने इस वर्ड को सर्च किया डिक्शनरी में तो क्लाउड के आगे इसका प्रोनंसिएशन लिखा था के एल ए यू डी। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, के एल ए क्ला एंड यू डी उड, क्लाउड ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ। इसके आगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, देखिए ये नाउन एंड वर्ब, इसका मतलब ये है कि ये क्लाउड वर्ड किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग मैं आपको बता रही हूं, अ ग्रे और वाइट मास मेड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, इसका मतलब ये हुआ ग्रे मतलब ग्रे कलर या वाइट कलर का कोई टुकड़ा मेड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, किस चीज का बना हुआ है वो टुकड़ा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर का बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको लॉन्ग काइंडनेस हाउस एंड एजुकेशन, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको सर्च करके उनका प्रोनंसिएशन उनकी पार्ट ऑफ स्पीच और उनका मीनिंग आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एनसर्कल द आंसर एंड देन चेक इन योर डिक्शनरी टू सी इफ यू वर राइट,
ओके आपको अब क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है कि जैम कम्स डैश बटर। आपको ये बताना है कि जैम वर्ड जो है वो बटर के पहले आएगा कि बाद में आएगा। यहाँ पर आपको इसके आगे बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है। अगर जैम कम्स जैम अगर बटर के पहले आता है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, जैम कम्स बिफोर बटर, मतलब बटर के पहले आता है। और अगर जैम बटर के बाद में आता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैम कम्स आफ्टर बटर। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, जैम कम्स डैश बटर, और जो सही आंसर उसको आपको एनसर्कल करना है। देखते हैं इसमें क्या है, जैम एंड बटर। अब देखिए इसका सबसे पहला लेटर हम देखेंगे, इसमें पहला जैम का पहला लेटर जे है एंड बटर का फर्स्ट लेटर इज बी। हम देखेंगे कि डिक्शनरी में कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है या जे पहले आता है, कौन सा लेटर पहले आता है, बी पहले आता है। ठीक है, तो जैम कम्स आफ्टर बटर, ये होगा इसका आंसर एंड वी विल एनसर्कल आफ्टर। क्लियर? फर्स्ट वन आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, क्वीन कम्स डैश पैलेस। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्वीन पैलेस के पहले आएगा कि बाद में आएगा। क्वीन का फर्स्ट लेटर इज क्यू एंड पैलेस फर्स्ट लेटर ऑफ पैलेस इज पी। सो वी विल लुक एट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हाट कम्स बिफोर पी और क्यू, पी कम्स बिफोर क्यू, सो क्वीन कम्स आफ्टर पैलेस। इसमें हम किसको एनसर्कल करेंगे, आफ्टर को एनसर्कल करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब इसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यू हैव टू डू। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस, ओके, एंड देन द अंडरलाइन वर्ड, दिस इज द वट एवर द अंडरलाइन वर्ड इन दीज सेंटेंसेस, यू हैव टू सर्च द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन टू द डिक्शनरी एंड राइट इट्स मीनिंग हेयर। आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड है उनका मीनिंग आपको डिक्शनरी में सर्च करना है और उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखिए पहले सेंटेंस में सिंस इंटेलिजेंट, थर्ड सेंटेंस में अमंग क्लासमेट्स मोस्ट हार्ड वर्किंग, फोर्थ सेंटेंस पॉन्ड एंड क्लीन, एंड फिफ्थ सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है यूनिक क्वालिटीज। आपको ये सारे डिक्शनरी में इनका मीनिंग सर्च करके और उनके मीनिंग को यहाँ पर ब्लैंक में यहाँ पर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी काम आपको दिया गया है वो आप टाइम से कंप्लीट करके मेरे को सबमिट करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।